नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रज कुमार। जिंदगी क्या है, इश्क क्या है, दोस्ती क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जिनका हमारी जिंदगी में कभी ना कभी हमसे ताल्लुक पड़ता ही है। हम इन सवालों के जवाब ढूंढने में सारी जिंदगी बिता देते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी ही सीरीज आई है जो इन सवालों के इर्द गिर्द बनी है। सीरीज में कहानी है, किस्से हैं, दोस्ती है, प्यार है और लखनऊ की गलियां हैं। सीरीज का नाम है ताजमहल 1989। इसमें क्या खास है, आइए मैं आपको बताता हूं। सिर्फ 7 एपिसोड के इस सीरीज में कई कहानियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें आपको नीरज का भी और गीतांजलि कुलकर्णी का शानदार काम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पुष्पेंद्र नाथ मिश्र का शानदार डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे आपको इस सीरीज से मोहब्बत सी हो जाएगी। कहानी क्या है, 21वीं सदी के तड़के के साथ ही 1990 के दशक की भारत की तस्वीर इस सीरीज में देखने को मिलती है। यानी लहजा, तरीका और अंदाज पूरी तरीके से आज का है, लेकिन बैकग्राउंड 1989 का ही है। फटाफट अंग्रेजी, ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंस, सेट, बैकग्राउंड और हालात वही 90 के दशक वाले। ये थोड़ा मिक्सचर सुनने में अजीबोगरीब भले ही लगता हो, लेकिन सीरीज जब आप देखते हैं तो आपको आनंद आ जाता है, आपको मजा आता है। सीरीज में किरदार अलग अलग हैं और उनकी कहानियां भी अलग अलग हैं। अख्तर बेग लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जो फिलोसफी पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी है सरिता जो उसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाती हैं। दो दशक से दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वही घर की छोटी छोटी खींचतान और बढ़ती उम्र के साथ प्यार में कमी, दोनों के बीच लगातार खटपट चलती रहती है। दूसरी ओर एक कॉलेज लाइफ है जहां 3-4 युवा दोस्त हैं और उनकी जिंदगी में क्या बीत रहा है, यह सब देखने को मिलता है। अंगद, रश्मि और धर्म 3 किरदार हैं जो दोस्त हैं और यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। रश्मि और धर्म बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन धर्म बीच रास्ते में कहीं भटक सा जाता है और उनका साथ छोड़ जाता है। दूसरी तरफ अंगद है जो गरीब है, अनाथ है, लेकिन स्मार्ट बहुत है। साम्यवाद को लेकर उसके पास इतनी शानदार नॉलेज है कि कॉलेज की लड़कियां उसकी फैन हो जाती हैं। धर्म दूसरी तरफ शराब और राजनीति के पचड़े में फंस जाता है, जिसकी वजह से यह दोस्ती में दरार आ जाती है। और बाकी भी बहुत कुछ जिंदगी में घटता है जो सीरीज में देखें तो ही अच्छा लगेगा। सीरीज में शानदार क्या है, 30 मिनट का एक एपिसोड और सिर्फ 7 एपिसोड। यह सीरीज छोटी भले लगती हो, लेकिन जितनी छोटी यह सीरीज है उतना ही ज्यादा है इससे आपका प्यार हो जाना है। सीरीज में सबसे शानदार देखने लायक है इसकी सिनेमेटोग्राफी, जिस तरीके से डायरेक्टर और कैमरामैन की जुगलबंदी ने काम किया है और लखनऊ की छोटी छोटी चीजों को दिखाया है। न सिर्फ लखनऊ को ध्यान में रखते हुए, बल्कि समय 1989 को भी ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजें दिखाई गई है जो आपकी नजर के सामने आती है। एक तरफ डायलॉग बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कैमरा जब घूमता है तो इस तरीके से घूमता है कि डायलॉग और सीन सब कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कलाकारों का काम भी शानदार है, खासकर नीरज काबी और गीतांजलि कुलकर्णी। नीरज काबी को आप सेक्रेट गेम्स और तलवार जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, वहीं गीतांजलि फोटोग्राफ सिलेक्शन डे जैसे प्रोजेक्ट में पहले दिख चुकी हैं। अंगद का किरदार निभा रहे अनूद सिंह ढाका ने अपने रोल में शानदार काम किया है। साम्यवादी छात्र के रूप में जिस तरह से उन्होंने किरदार को निभाया है, वह आपको उनके काम की तारीफ करने के लिए मजबूर कर देगा। इन सभी के अलावा भी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और अपने रोल में परफेक्ट दिखाई दिए हैं। इस सीरीज में फिलॉसफी की बात होती है जो आपको जिंदगी का एक ज्ञान बताती है। कई किस्से ऐसे साझा किए जाते हैं जो सुनने में बड़ा मजा आता है। कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो दिल में उतरते हैं। इसके अलावा दोस्ती, प्यार और उसे निभाने के तरीके कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके दिल में उतर जाते हैं। ऐसे में कुछ वक्त निकालकर इस सीरीज को देखना जरूर बनता है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए इस सीरीज के बारे में। मैंने खुद इसे देखा है और काफी इंजॉय किया है। तो आप सबों के लिए ताजमहल 1989 का ये छोटा सा रिव्यू। धन्यवाद आपके वक्त के लिए।